व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल ईशान टेक वर्ल्ड। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं ओप्पो A16K के बारे में। जी हाँ, ओप्पो A16K जो है ना दोस्तों, वो लॉन्च हो चुका है इंडिया में। इसके जो स्पेसिफिकेशन है वो कन्फर्म्ड हो चुके हैं। अफोर्डेबल रेंज में जो है ना दोस्तों, ये डिवाइस कंपनी ने लॉन्च किया है। अब यहाँ पर देखते हैं कि भाई अफोर्डेबल रेंज में जो कंपनी डिवाइस को लॉन्च कर रही है, तो उसके हिसाब से क्या स्पेसिफिकेशन इसमें मिलते हैं। वैसे कैसे अगर डिवाइस को देखा जाएगा तो जो ओप्पो A16 है उसका एक डाउनग्रेडेड वर्जन आप बोल सकते हो ओप्पो A16K को। लेकिन यहां पर दोस्तों हम कंपेयर करके देखेंगे कि क्या चीज हमें इसमें डाउनग्रेडेड मिलती है अगर आप कंपेयर करोगे ओप्पो A16 से। तो यहां पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे बात कर लेता हूं इसके प्राइस के बारे में। यहां पर प्राइस से रिलेटेड ये न्यूज है कि 10,000 की रेंज में दोस्तों कंपनी ने इस फोन को रखा है। अब ये फोन ऑब्वियसली भी तो लाइव हो चुका है ओप्पो के जो ऑनलाइन स्टोर्स और रिटेल स्टोर्स है उसमें, लेकिन अभी तक दोस्तों ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर ये आया नहीं है। वैसे मैं कोशिश करूंगा दोस्तों, अगर आ जाता है अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको फोन अच्छा लगता है आप एक बार लिंक जो है ना वो चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन में से। तो चलिए दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस अफोर्डेबल रेंज में कंपनी ने किस तरीके के स्पेसिफिकेशंस दिए हैं। यहां पर सबसे पहले दोस्तों बात करूंगा डिस्प्ले फीचर्स के बारे में। तो डिस्प्ले फीचर्स के हिसाब से इस डिवाइस में 6.52 इंच का एक HD+ LCD डिस्प्ले हमें देखने के लिए मिलता है। यहां पर देखिए, हम ऑब्वियसली बोलेंगे आप डिस्प्ले से जो है ना एकदम कुछ हाई फोन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। प्राइस के हिसाब से एकदम एवरेज डिस्प्ले जो ना कंपनी ने इसमें दिया है। बात करूंगा दोस्तों कैमरा स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो यहां पर रेयर में कंपनी ने सिर्फ सिंगल कैमरा दिया है जो कि 13 मेगापिक्सल का है। वहीं पर कंपनी ने फ्रंट में 5 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर इसमें दिया है। तो यहां पर कैमरे के हिसाब से भी कुछ इतना खास हम नहीं बोल सकते क्योंकि ऑब्वियसली प्राइस तो आपको पता ही है। लेकिन यहां पर दोस्तों एक चीज अच्छी ये है बोलने वाली कि इसमें काफी दूसरे अच्छे कैमरा मोड्स कंपनी ने दिए हैं। इसमें नाइट मोड जो ना दोस्तों में देखने के मिलता है, स्टाइलिश फिल्टर इसमें देखने के लिए मिलता है, बैकलिट HDR भी इसमें देखने के लिए मिलता है। मतलब जिस प्राइस रेंज में डिवाइस लॉन्च हो रहा है उसके हिसाब से जो कैमरा मोड्स कंपनी ने दिए हैं वो एकदम जबरदस्त है। अब बात कर लेता हूं दोस्तों हार्डवेयर के बारे में। तो यहां पर कंपनी ने MediaTek का हीलियो G35 प्रोसेसर इसमें दिया है, और साथ ही में अगर रैम के हिसाब से बात करूंगा तो इसमें 3GB रैम है और 32GB इंटरनल स्टोरेज है। अब जी हाँ दोस्तों, भले ही ये एक अफोर्डेबल जो है ना रेंज में डिवाइस लॉन्च हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से 32GB का जो इंटरनल स्टोरेज कंपनी दे रही है ये मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है यार। मतलब इसमें 64GB का एटलीस्ट कंपनी जो है ना वो स्टोरेज दे सकती थी। वो बात अलग है कि इसको जो ना एक्सपैंड कर सकते हैं मेमोरी कार्ड लगा के, इसमें एक्स्ट्रा MicroSD स्लॉट हमें देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन यहां पर गाइस जो इंटरनल स्टोरेज कंपनी 32GB दे रही है उसको 64GB तो मिनिमम होना ही चाहिए था। अब बात करूंगा दोस्तों बैटरी और सॉफ्टवेयर के बारे में। तो कंपनी ने इसमें 4230mAh की बैटरी दी है जिसको 10 वॉट की फास्ट चार्जिंग से चार्ज कर सकते हैं। यहां पर कंपनी ने एंड्रॉइड 11 दिया है आउट ऑफ द बॉक्स। अब बैटरी के सेक्शन में भी दोस्तों मैं यही चीज बोलूंगा कि यार एक अफोर्डेबल रेंज का डिवाइस है तो इसमें जो है ना ऑब्वियसली 5000-6000mAh की बैटरी तो कंपनी को देनी चाहिए थी। फास्ट चार्जिंग तो ऑब्वियसली हम इतना नहीं बोल रहे, और आजकल टाइम पे वो ट्रेंड भी नहीं है कि भाई फास्ट चार्जिंग मिले इस प्राइस रेंज में। लेकिन फिर भी अगर 10 वॉट की भी कंपनी चार्जिंग दे रही है तो इसमें मतलब 5000mAh की भी बैटरी कंपनी ने दी है। इसमें अगर एटलीस्ट 6000mAh की बैटरी होती थी तो वो बहुत जबरदस्त बात हो जाती। तो यहां पर ये तो होगा इसके सारे स्पेसिफिकेशंस, प्राइस और सारी चीजों से रिलेटेड मैंने आपको छोटे से छोटे वीडियो में एकदम कम करके बताने की कोशिश करी है। देखिए यहां पर दोस्तों मैं यही चीज बोलूंगा कि अगर आप इस प्राइस रेंज में कोई डिवाइस सर्च कर रहे हो तो ये डिवाइस आपके लिए सही हो सकता है। लेकिन यहां पर सिर्फ दो चीजों का जो है ना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो इसमें आपको प्रॉपर बैटरी बैकअप नहीं मिलेगा। 4230mAh बैटरी मतलब बैकअप मेरे लिए दोस्तों ऑब्वियसली इतना सही नहीं है, और कंजप्शन भी ज्यादा होगा क्योंकि LCD पैनल इसमें देखने को मिलता है। तो एक तो ये चीज है। दूसरी चीज ये है कि इसमें जो आपको इंटरनल स्टोरेज मिल रहा है वो सिर्फ 32GB का मिल रहा है। मेरे हिसाब से इसमें एटलीस्ट 64GB का इंटरनल स्टोरेज मिलता तो वो बेटर बात हो जाती थी। तो गाइज इन दो चीजों को अगर आप कंसिडर कर सकते हो तो फिर आप ये फोन के लिए जा सकते हो। लेकिन अगर आप ये दो चीजें बहुत मैटर करती है आपके लिए तो मेरे हिसाब से फिर ये फोन आपके लिए नहीं बना है। तो यहीं तक था दोस्तों मेरा वीडियो। मैंने प्रॉपरली आपको छोटे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि किस तरीके के डिवाइस ये हो सकता है। वैसे अगर आपको वीडियो पसंद आया है, आपको हमारा रिव्यू पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही में दोस्तों अगर कोई भी सजेशन है एब्सोल्युटली कमेंट्स कॉलम इज फ्री फॉर यू। चलिए दोस्तों फिर इंशाल्लाह मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वो देखिए नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसको प्रेस कीजिए। बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे रखिए, वो बहुत जरूरी है ताकि इन फ्यूचर आप किसी भी तरीके के अपडेट्स मिस नहीं करोगे हमारे चैनल पे से। बस और क्या, जय।